दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोसरोज चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको साइड में बेल आइकन दिख रहा है इस पर आप टॉच करके जो है सेलेक्ट कर लीजिए ऑल को, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। हे गाइज, मैं हूँ सरोज और आप देख रहे हैं टेक्नो सरोज। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो पीसी है उसमें कितने जीबी तक का जो रैम है उसे आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम रैम कैपेसिटी को आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका जो पीसी है, आपका जो मदरबोर्ड है उसमें कितने जीबी तक का रैम जो है आप उसमें लगा सकते हैं, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप जो है अपने पीसी में रैम को जो है अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो को जो है आप पूरा देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को जो है अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि हमारा जो यहाँ पे मदरबोर्ड है उसमें जो है कितने जो है स्लॉट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए जो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके जो है टास्क मैनेजर ओपन कीजिए, उसके बाद जाइए परफॉर्मेंस पे। ठीक है, अगर आप में देखिए फ्योर डिटेल है तो आप जो इसको मोर डिटेल पर जो है आप क्लिक करके जो इसका ये पेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको जाना है परफॉर्मेंस में, और यहाँ पे देखिए सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, वाईफाई और जीपीयू का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जाना है मेमोरी में। और मेमोरी जाने के बाद मैं इसका साइज़ का जो है बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पे आप देखिए एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, देखिए स्लॉट यूज्ड करके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्पीड के नीचे आपको यहाँ पर देखना है, जहाँ पर आप यहाँ पर देखिए ये रहा स्लॉट यूज, और यहाँ पर देखिए वन अप टू, यानी कि देखिए मेरे में जो है टू स्लॉट अवेलेबल है। अगर आप में जो है वन अप वन है तो यानी कि वन है, यानी कि वन अप मतलब मेरे में तो वन अप टू है, यानी कि मेरे में जो है दो स्लॉट यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम रैम कैपेसिटी कितना है। तो इसके लिए जाइए आप स्टार्ट पे और यहाँ पे टाइप कीजिए CMD। हमें जो है कमांड प्रॉम्प्ट को जो ओपन करना है, तो सिंपली आप CMD जो है टाइप करके, तो आपको जो है यहाँ पे देखिए आपको जो इंटर पर प्रेस करना है। इंटर पर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ये ओपन हो चुका है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब आपको कमांड लिखना है WMIC और स्पेस दीजिए, और यहाँ पे देखिए MEEM, और यहाँ पे देखिए फिजिकल, मेम फिजिकल स्पेस दीजिए, गेट दीजिए स्पेस दीजिए, और मैक्स कैपेसिटी आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपली जो आपको इंटर को प्रेस करना है। इंटर पर जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये रहा मैक्स कैपेसिटी, और ये नंबर है ये जो है KB में है, तो हमें क्या करना होगा इसको जो है GB में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जो है आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और C का जो बटन है उससे जो है आप प्रेस करके जो है इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप ओपन कीजिए कैलकुलेटर को, तो ये रहा कैलकुलेटर, मैंने इस पर यहाँ पर देखिए इंटर किया, कैलकुलेटर जो ओपन हो चुका है। अब हमें करना क्या है, जो डेटा यहाँ पे ठीक है जो नंबर आपने आपसे कॉपी किया था उसको जो है आपको यहाँ पर करके डिवाइड करना है 1024 से। तो यहाँ पर देखिए ये MB में आ गया, अब वापस से करना है डिवाइड, और यहाँ पे देखिए 1024, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया GB में, तो यहाँ पे देखिए 16 दिखा रहा है। तो यानी कि अगर मैं अपने PC में जो है रैम को अपग्रेड करना चाहूँ तो मैं जो है 16 GB तक का जो है रैम मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसमें अपग्रेड कर सकता हूँ। तो ऐसे जो है पता लगा सकते हैं ठीक है कि कितने GB तक का जो है यहाँ पर सपोर्टेड है। इसे जो है आप गूगल क्रोम से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली आपको गूगल पर लिखना है KB2GB, और यहाँ पर देखिए जो नंबर वहाँ से आपने कॉपी किया था उसको जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और अपने कीबोर्ड पे इंटर को प्रेस करना है। इंटर को प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए 16 GB यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे जो है आप पता लगा सकते हो कि आपका PC में कितने GB तक का रैम जो है यहाँ पे सपोर्टेड है। तो गाइस, देखा आपने कि कैसे जो है पता लगा सकते हैं कि आपका जो मदरबोर्ड है वो जो है कितने GB तक का रैम जो है यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, आप जो है कितने GB तक का रैम जो है उसमें आप जो है अपग्रेड कर सकते हो अपने PC में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मन में कोई वैसा सलाह सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे जो पर्सनली चैट करना चाहते तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है मुझे आप फॉलो करके जो मुझे आप पर्सनली चैट कर सकते हैं। और अगर आप इसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर आप सेलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।